बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों शामिल थे। किसी को भी प्रैक्टिस सेट देते समय ये नहीं पूछा गया था कि आपने बीएड किया है कि बीटीसी किया है, लेकिन आपको पता है अब परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। तो चलिए, क्या है कंडीशन, क्या बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा सकता है और बीएड बाहर हो गया है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग एक छोटी सी चर्चा करते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इधर उधर की बातें बोल बोल कर लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, क्या है सच्चाई, चलिए यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक गजट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारा जो आदेश है, यानी कि आपका जो आदेश आया था बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने वाला, जो कि आपका 11 अगस्त को आया था, उसका पालन किया जाए। तो बीटीसी हमारे जो भाई बंधु हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ से उन्होंने वह आदेश पारित करवाया है। उस आदेश में साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा आदेश है, 11 अगस्त वाला आदेश है, उसका पालन किया जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो गजट है, प्रत्येक टेलीग्राम चैनल पर वायरल हो चुका है और इसके आधार में बताया जा रहा है कि भैया बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए भैया, आपने अगर वह नोटिफिकेशन पढ़ा है, वह गजट पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है बिहार सरकार को कि आप हमारे आदेश का पालन करेंगे। उसमें यह नहीं लिखा गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस गजट या नोटिफिकेशन के आधार पर माना जाए तो हाँ, लगभग 75% चांस ऐसे बन रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, बिहार में जो पीआईटी का पेपर हुआ था। लेकिन क्या यह संभव है? इससे पहले दो राज्यों का उदाहरण देते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य है और असम राज्य है। असम में अभी भर्ती आई नहीं है, इसमें आने वाली है भर्ती, इसमें कहा गया है कि हम बीएड को शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में भर्ती आपकी पहले से ही चल रही थी, जो हमारे अन्य छात्र हैं यानी बीटीसी वाले छात्र हैं वो इसको बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सॉरी हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने आपको बीएड को काउंसलिंग से बाहर कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल किया गया और उस सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश में कहा गया था कि जो आदेश आया है उससे पहले से जो भर्तियाँ चल रही हैं उसमें वह आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी कि कहने का सीधा मतलब है, आपका जो आदेश है 11 अगस्त का आदेश है, ठीक है, ये 11 अगस्त का आपका आदेश है, तो 11 अगस्त से पहले की जो भर्तियां हैं उस पर बीएड को, मतलब वो आदेश लागू नहीं होगा, यानी बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि इस जो नोटिफिकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, इसमें सीधा सीधा बिहार सरकार के पाले में गेंद को डाल दिया गया है कि बिहार सरकार क्या करती है। अभी तक इतने दिन बीत चुके हैं, बीपीसी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और बिहार सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो कुछ करना है वो बिहार सरकार को ही करना है। अगर ये कह देते हैं, साफ साफ कह देते हैं, बिहार गवर्नमेंट साफ साफ कह देती है कि हम बीएड वालों को भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखेंगे, तो बीएड वालों को कोई भी आदेश, कोई भी शासनादेश बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर सकता है। अगर बिहार सरकार कह देती है कि हम बीएड को, जो आपका पीआईटी का पेपर था, उससे बाहर कर रहे हैं, तो हाँ 100% बीएड पीआईटी के पेपर से बाहर हो जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसा बिहार सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है। अगर बिहार सरकार कहती है कि हमारा नोटिफिकेशन पहले का है और इसके आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आती है, तो ऐसी कंडीशन में बीएड को आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी बिहार में उसमें शामिल किया जा सकता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो कुछ करना है वो बिहार सरकार को ही करना है। अगर यह बीएड को शामिल करना चाहेगी तो कर सकती है, बीएड को बाहर करना चाहेगी तो कर सकती है। शामिल करने का आधार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का जो आदेश है, उस आधार पर बिहार
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जा सकता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट अगर चाहे कि हमें शामिल नहीं करना है तो बीएड को बाहर भी किया जा सकता है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो कुछ भी करना है वो बिहार गवर्नमेंट को ही करना है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा गया है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाए। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आया है वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप हमारे आदेश का पालन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है कि विधायिका बड़ी होती है कि कार्यपालिका बड़ी होती है। देखिए भैया, आप लोग भी संविधान पढ़े हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में हैं, इतना जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जहाँ पर बड़ा होता है, यानी कि विधायिका अपनी जहाँ पर बड़ी होती है और जो हमारी न्यायपालिका होती है वो वह भी अपनी जहाँ पर बड़ी होती है। तो एक दूसरे से लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो हमें आगे भविष्य में पता ही चलेगा। और आपको जो भी करना है, जो कुछ भी काम करना है बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो भी आपको काम करना है वो इसी बिहार सरकार को ही करना है। बिहार सरकार अगर चाहेगी तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है। किस आधार पर? इस छत्तीसगढ़ राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस आधार पर कर सकती है। अगर इसे बाहर करना होगा तो ये तुरंत बाहर कर देगी, आपसे पूछेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो भी करना है वो अतुल प्रसाद जी को करना है। अतुल प्रसाद जी अपने मन से तो कुछ करेंगे नहीं, जो भी करेंगे वो नीतीश कुमार से पूछ के करेंगे। तो अब सब कुछ नीतीश कुमार के ही ऊपर डिपेंड है, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, एक आपके लिए एक, अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक जानकारी है कि बीएड जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि आपने जो आदेश दिया है 11 अगस्त वाला आदेश है वो कब से लागू होगा, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो उसके आधार पर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं, यानी बीएड भी, आपने पता होगा कि इससे पहले जो हमारा आदेश आया था उसमें बीएड कोई पक्ष नहीं था, एक पक्ष हमारा बीटीसी था और दूसरा पक्ष हमारा केंद्र सरकार और एनसीटीई था, तो बीएड उसमें पक्ष नहीं था। तो बीएड वाले अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं, वहां से बहुत सारी चीज़ों पर वो अपना आदेश लेके आएंगे कि जो हमारा आदेश है वो 11 अगस्त वाला जो आदेश है वो 11 अगस्त से लागू होगा या उससे पहले 2018 से लागू होगा, कब से लागू होगा, वो सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। तो बिहार में क्या करना है, जो भी करना है वो बिहार सरकार को करना है। अभी मेरिट की बात होती है, मेरिट अगर बीएड बाहर हो जाएगा, भैया मेरिट जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बीएड बाहर कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में मेरिट जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है वही आपकी आपकी मेरिट बन जाएगी। एक उचित मात्रा में बच्चे ही नहीं मिलेंगे, यानी कहने का सीधा मतलब है कि जो आपका 40% जर्नल की पासिंग मार्क है यानी कि 12 चौक 48 नंबर पाने वाले बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरिट की और कट ऑफ की कोई बात नहीं होगी अगर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी मेरिट, सारे कट ऑफ जो है बीएड को शामिल करने पर ही बनेगा। बीएड बाहर हो जाएगा तो कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहेगा, उचित मात्रा में यानी पूरे पूरे बच्चे ही नहीं मिलेंगे जिससे भर्ती आपको पूरी हो सके। हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्हें अपना जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो नीचे करना पड़ेगा, वो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जो वीडियो होती हैं बहुत ही विवादित वीडियो होती हैं, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की वीडियो हम नहीं बनाते हैं। जो कुछ भी होगा वो भविष्य में हो ही जाएगा, उसके बारे में फालतू परेशान रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बार बार यही मन में आती है कि जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे थे, वो प्रैक्टिस सेट लेते समय और प्रैक्टिस सेट देते समय कभी भी किसी से नहीं पूछा गया कि आपने बीटीसी किया है कि बीएड किया है। सब लोगों को एक ही सपना था कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमें नौकरी मिल जाएगी, वेतन वहाँ पर कम है। उत्तर प्रदेश में अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाएंगे तो लगभग स्टार्टिंग वेतन आपका 50,000 है और बिहार में आप ज्वाइन करेंगे लगभग 37-38,000 पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो वेतन कम है, लेकिन कम है तो क्या मतलब, सरकारी नौकरी भी होती है। कहीं भी आपको सरकारी नौकरी मिली, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कहीं भी जाना पड़ जाए, लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पेपर बिहार में भरा था तो बिहार में जाके नौकरी करेंगे यही पर उन्होंने सोचा था, लेकिन अब क्या किया जाए, इतने दिनों में लगभग 1 से 1.5 महीनों में सारी परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं। जो साथ साथ पढ़ते थे साथ साथ घूमते थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बीएड वाले बीटीसी से ये लड़ रहे हैं और बीटीसी वाले बीएड वालों को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बिहार में जो कुछ भी करना है, बिहार में जो कुछ भी करना है बिहार सरकार को करना है, इस बात पर हमेशा
अडिग रहिए कि जो कुछ भी होगा वो जो गवर्नमेंट है बिहार की उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर बताते समय कोई बात हमारे मुंह से ज़्यादा स्किप हो गई होगी या कोई बात हम मिस कर गए होंगे बताने में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।